तो इस वक्त हम मौजूद हैं बसना के पदमपुर रोड में, जहां पे काफ़ी लंबे समय से समस्या बनी हुई है कि रोड में धूल उड़ती है और काफ़ी सारे गड्ढे दिखाई देते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एक स्थानीय नागरिक मौजूद हैं जो बताएंगे यहां पे कि किस तरह से समस्या आती है जब वो यहां पे गुजरते हैं। बताइए। समस्या तो रोज ही की है, बच्चों को कोचिंग छोड़ने जाता हूँ, गिट्टी है, टू व्हीलर वाहन है, फोर व्हीलर तो है नहीं, तो निकलते हैं, गिट्टी के छिटकने का भी डर रहता है फोर व्हीलर वगैरह से, और रोड वैसे भी दो पहिया गिरने का भी डर रहता है, तो समस्या तो रोजी की है। तो ये सड़क कितने दिन से ऐसी इस स्थिति में है? ये तो आए दिन थोड़ा मोड़ा मलहम लगा दिया जाता है, जैसे अभी गिट्टी डाल दी गई, बड़ी बड़ी खाई जैसे गड्ढे थे, है ना, आए दिन मलहम लगा दिया जाता है इस रोड में और फिर वही समस्या हो जाती है। तो आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं, स्थानीय प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, किनको? नगर पंचायत का रोड है तो नगर पंचायत को ध्यान देना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, नगर पंचायत तो बना नहीं रही है। क्या वजह है नगर पंचायत इसको बना नहीं पा रही है, क्या लगता है आपको? जो हमारे नगर पंचायत के CMO सर हैं वो तो कहीं ध्यान नहीं देते, बस स्टैंड में भी पानी भर रहा है बड़ी तादाद में, वहाँ भी ध्यान नहीं दिए, उनको शिकायत भी की गई, कोई ध्यान नहीं है उनका, और अध्यक्ष महोदय हैं तो उनका भी ध्यान नहीं है, ध्यान देंगे तब तो होगा ना। और भी स्थानीय नागरिक मौजूद है जो बताएंगे उनको इस सड़क से गुजरते समय क्या क्या परेशानियां होती हैं। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से यह रोड का निर्माण हुआ है उसके लगभग 6 महीना बाद से ही हमको धूल का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ रोड में बड़े बड़े गड्ढे हुए करते थे, और अभी कुछ दिनों में देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ बड़े बड़े बोल्डर पत्थर डाल दिया गया है, जिससे कि आम राहगीरों को साथ साथ, क्या आम राहगीरों की बात तो छोड़िए, कि यहाँ पर स्कूल है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ रोड से, ट्रक वगैरह से गिट्टी अगर छिटक के किसी बच्चे को चोट लगती है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और साथ ही साथ मैं भी आपको खुद बताना चाहूँगा कि पीछे राम जानकी मंदिर के पास भी वहाँ पर भी गिट्टी डला गया था, वहाँ पर मैं खुद अभी स्लिप होते हुए गिरते हुए बचा हूँ, और यहाँ धूल के मारे थे हम लोग बहुत परेशान हैं। साथ ही साथ ये बसना का कहने के लिए बस गौरवपथ है, गौरवपथ के नाम पर कलंक है बसना के लिए। तो इस सड़क की दुर्दशा के पीछे जो जिम्मेदार है आप किनको मानते हैं, कौन है जिम्मेदार? नगर पंचायत बसना। हमारे साथ यहाँ पे और भी स्थानीय नागरिक मौजूद हैं जो यहाँ पे अपनी समस्याओं को बताएंगे कि जब वो इस सड़क से गुजरते हैं तो उनको क्या क्या परेशानियाँ और समस्याएं होती है। बताइए। ये सड़क जो है 2019 वर्ष में बनी हुई है, और उसके पश्चात एक साल तक कोरोना काल चला जहाँ पर कोई भी आवागमन नहीं हुआ, उसके बाद 2 साल के अंदर सड़क उखड़ चुकी है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर गिट्टी है, पैदल चलने वाले किसी भी राहगीर को कहीं भी किसी भी वाहन के नीचे टायर के नीचे से गिट्टी छिड़क कर लग जाती है और वो चोटिल हो जाते हैं, परंतु नगर पंचायत को यहाँ पर मलबा और गिट्टी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोन साइज की गिट्टियाँ हैं जिससे कि आदमी मर भी सकता है, और इस पर नगर पंचायत बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहा है। वर्तमान की स्थिति आप देखेंगे तो ये चलने लायक सड़क नहीं है, यहाँ पर धूल, गड्ढे और गिट्टी ही मिलेंगी। तो आप इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारी कर्मचारियों को, या फिर यहाँ की जनता स्वयं दोषी है जो अपने मुद्दे स्वयं नहीं उठा पाती है? सबसे पहली जो जिनकी गलती है वो स्थानीय अधिकारियों की है, क्योंकि वो जनता के टैक्स से उनको वेतन मिलता है, उनका परिवार चलता है, परंतु वो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हैं। आप नगर पंचायत बसना जाइए, वहाँ पर आपको CMO महीने में 2 दिन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि CMO रहते ही नहीं है यहाँ पर, और जिस कार्यालय का मुखिया नहीं रहेगा तो आप उस कार्यालय से क्या बोलते हैं कार्य करने की जो इच्छा होती है वो तो मिलेगा ही नहीं, वहाँ पर कार्य संभव ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गिट्टी है, एक भी गाड़ी अगर चली और गिट्टी छिटक कर किसी को लगता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है, परंतु शासन प्रशासन नगर पंचायत को कोई इससे लेना देना नहीं है। इस तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ और स्थानीय नागरिक मौजूद है जो यहाँ पे रुक गए हैं हमको देखकर, जो बताएंगे कि सड़क से गुजरने से इनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। सर ये गौरव पथ जब से बना है इसका यही हाल है, आप देखेंगे आगे चल के इसमें कितने और गड्ढे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, वार्ड नंबर 13 से मेरी मिसेज जो है पार्षद भी है, इसको इंजीनियर को CMO को इस बार कई बार मौखिक रूप से बोला जाता है, वो कुछ भी समस्या का समाधान करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो क्या इसके पीछे केवल अधिकारी ही जिम्मेदार है या जनप्रतिनिधि तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, अब अधिकारी ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे यहाँ से कोई ऊपर भेजने का। अधिकारी कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव बार बार ऊपर शासन प्रशासन को भेजा है, उसके बाद स्वीकृत नहीं हो रही है राशि। अन्य कार्यों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? अन्य कार्यों के लिए पैसे आते हैं ना।
तो फिर अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप स्वयं पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो किस तरह इस समस्या को सुलझाया जा सकता है ताकि लोगों को एक अच्छी सड़क मिल सके, एक सुगम सड़क मिल सके? अभी 25 तारीख को एक मीटिंग होने की थी, वो मीटिंग स्थगित हो गई है। 15 अगस्त के पहले एक मीटिंग होने की है, उसमें इस बात को उठाया जाएगा। करीब एक हफ्ता पहले मौखिक रूप से मैंने इंजीनियर को फ़ोन भी लगाया था, बोले तत्काल इसको हम करवा रहे हैं। आज भी ये मंडी में मेरे ख्याल से शपथ ग्रहण समारोह था, तो ये लिपापोती का काम किया गया है नगर पंचायत की ओर से। ये आज ही हुआ है, लिपापोती काम कल हुआ है। तो ये जिस तरह से अभी गिट्टी डाल दी है नगर पंचायत द्वारा, क्या इससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं होगी दुर्घटना? आप देखिए ना, पूरे रोड में जगह जगह गड्ढे हैं, ये गिट्टी किसी को लग सकती है, किसी को चोट हो सकती है। मान लो गलती से कोई गिर जाता है स्लिप होके, तो दुर्घटना में शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? धन्यवाद सर। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बसना के गौरव पथ में, तो यहाँ पे कुछ दुकानें मौजूद हैं जिनसे हम अंदर जाके चर्चा करने वाले हैं कि आखिर उनको किस तरह की समस्याएं यहाँ पे आती है। तो भैया एक बार आप बताएंगे कि यहाँ पे आपको किस तरह की समस्या आती है इस सड़क पे? भाई इस सड़क में बहुत धूल उड़ रहा है, है ना, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, ठीक है, समस्या तो होती है बहुत ज़्यादा। तो आप इनके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? भैया है नगर पंचायत इसका जिम्मेदार। तो क्या आप स्थानीय स्तर पर इसकी शिकायत किसी से किए कि भाई हमने भाई पंचायत बोले? हाँ। पंचायत वाले बोले कि करवाएंगे बोले। हाँ। है ना, फिर अभी तक तो कोई कुछ हुआ भी नहीं। तो अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पे गिट्टी डाल दिया गया है, तो इससे किसी तरह की समस्या है? हो सकती है। क्या समस्या हो सकती? भाई जब गाड़ी चलेगा किसी को लग जाएगा, है ना भाई, तो फिर उसमें खतरा है। भारद्वाज, तो बसना का ये जो गौरव पथ कहा जाता है, इस गौरव पथ पे आपकी दुकान है जी, तो इस गौरव पथ पे आपको क्या क्या समस्या आती है? गौरव पथ में हमेशा धूल मिट्टी गड्ढा ये समस्या है, और अभी तो इसमें गिट्टी उट्टी डाल दी है गड्ढे में, अब देखते हैं कि कितना दिन तक टिकता है। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ा गया है, एसडीएम के पास कई बार शिकायत चला गया है, और एक बार शिकायत करने में डमरीकरण जरूर हुआ था उस समय धूल मिट्टी, लेकिन नतीजा जस का तस, हर साल दो साल में ये नौबत हमको हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो किसको मानूं, शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है, और कौन है जिम्मेदार? इसकी रक्षा वही करते हैं, बनाना और बिगाड़ना उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पदमपुर रोड के होटल चीप एंड बेस्ट के संचालक, जो हमको बताएंगे कि पदमपुर रोड में उनकी दुकान है, तो उनको किस तरह की समस्या आती है? जी हाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि आप अच्छी तरह देख रहे हैं रोड में पूरा धूल उड़ रहा है, बहुत बिजी रोड है, सीधा उड़ीसा से कंसंट्रेट रोड है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, अति ज़्यादा परेशान हैं, जिसको हमारे पास शब्दावली नहीं है बोलने के लिए आपको बता दूँ मैं, क्योंकि हमेशा इस रोड को बनाया जाता है, सिर पर थोप पॉलिश काम किया जाता है, किसी तरह की जो मूवमेंट होता है वो दिखा नहीं रहे, सिर पर यहाँ पर गड्ढा था, सिर पर देखिए पूरा गिट्टी को बिछा दिया गया है, और पूरा धूल उड़ रहे हैं, पूरा हमारा दुकान जो है पट जा रहा धूल से। तो आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे सीधा नगर पंचायत हमारा जिम्मेदार है, क्योंकि उसको उसका पूरा काम, उसका दायित्व नगर पंचायत दिखता है, नगर पंचायत को देखना चाहिए, इस रोड को बनाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो आप अपनी समस्या को लेकर कभी नगर पंचायत गए हैं, इसकी शिकायत की है किसी अधिकारी कर्मचारी से? जी हाँ, पर्टिकुलर तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन हमारे व्यापारी संघ जाके वहाँ पर बोले हैं कि इस तरह की बात होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल उड़ती है, बहुत परेशान है, कई बार थाना तक भी जाके हमारे व्यापारी संघ इस बात को मुद्दा रखे हैं, कई साहब तक गए थे बात रखे हैं, मगर सिर्फ आश्वासन मिलता है, अभी तक कुछ बात नहीं हो रही है। तो जिसकी वजह से आपको अभी काफ़ी परेशानी हो? जी हाँ, धूल के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और गिट्टी से आपको अभी गिट्टी जैसा डाल दिया गया है, काफ़ी सारे गड्ढे हो गए, तो उससे किसी तरह की कोई परेशानी है? जी हाँ, फिलहाल तो अभी छोटे बाइक हैं यहाँ पर, बाइकर्स यहाँ पे जो गुजर रहे हैं, बाइकर्स वहाँ स्लिप हो रहा है, एक बाइकर अभी पीछे पहले गया था, लेडीज़ बाइकर है खास, वो चला नहीं पा रही थी, और यहाँ पर फिसल को गिर गई थी, आपको बता दूँ मैं। तो उसे चोट भी आई काफ़ी? चोट आई थी, बहुत गंभीर चोट आई थी, लड़की हॉस्पिटल लेके गए उसको, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उसमें स्लिप खा के लड़की गिर गई थी। जी ठीक है जी, धन्यवाद। ओके, रोक।